हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड अगेन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ऑरा पर। ऑरा, जिसको हम आभा मंडल भी बोलते हैं। फिज़िकल बॉडी के अलावा हमारी और भी बॉडीज़ होती हैं जिनको एनर्जी बॉडीज़ बोलते हैं, जो ऊर्जा का स्रोत होती है। आपको दिन भर जो भी ऊर्जा मिलती है इन्हीं एनर्जी बॉडीज़ से मिलती है। 7 तरह की एनर्जी बॉडीज़ होती है सबकी, सबको मिला के हमारा ऑरा आभा मंडल बनता है। यह ऑरा किसी का वीक भी होता है तो किसी का स्ट्रॉन्ग भी होता है, और यह व्यक्ति के विचारों कर्मों से प्रभावित होता है, यानी उसी से बना होता है। जैसे किसी व्यक्ति का ऑरा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसकी बातें इतनी प्रभावित करती है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, उसको सुनना पसंद करेंगे, लोग ऐसे व्यक्ति की बातों का अनुसरण करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। ऐसा ऑरा स्वस्थ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी बातें बहुत जल्दी समाज में एक अच्छा बदलाव लाती है, ऐसे व्यक्ति का ऑरा स्वास्थ्य माना जाता है। आप ऐसा समझिए कि किसी से बात करके आपका स्ट्रेस दूर हो जाए, या कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के मिलने के बाद जिसका ऑरा स्वस्थ होता है, एक नई राह यानी नए रास्ते पर चलना शुरू कर दे, तो इसका मतलब सामने वाले व्यक्ति की बातों से आप हील हुए हैं, भले ही देह से आपको वो कमज़ोर भी लगे, फिज़िकली वो फिट भी ना हो या दुबला पतला भी हो सकता है। वही उसके उलट, ऐसा व्यक्ति जो दिखने में तो अच्छा खासा है, हट्टा कट्टा है, पर उससे बात करके आपको आपका मूड ख़राब हो जाए, या ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे अगर आप अपने थॉट्स को, तो पाएंगे कि आप नकारात्मक हो रहे हैं। थॉट्स से आपको ड्रेन फील हो रहा होगा, उस वक्त आपको ऐसा लगेगा आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई है, परेशान से हो जाएंगे, तो ये साइन है कि उस व्यक्ति का ऑरा बहुत ही कमज़ोर था। आभा मंडल से ही किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक स्वभाव का पता चलता है। जैसे कि देवी देवताओं के चित्र में उनके सिर के पीछे जो सफ़ेद गोला दिखाई देता, उसी को ऑरा बोलते हैं। जिस व्यक्ति की ऊर्जा सकारात्मक होती है उसका आभा मंडल सफ़ेद होता है, यानी जिनका ऑरा स्वस्थ होता है, और यही आभा मंडल व्यक्ति की रक्षा भी करता है। जब व्यक्ति का आभा मंडल किसी दूसरे व्यक्ति के आभा मंडल के संपर्क में आता, क्योंकि आभा मंडल हर चीज़ का होता है, मनुष्यों में भी होता है, पशु पक्षियों में भी होता है, जो ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करते हैं उनका भी आभा मंडल होता है, क्योंकि ये जो पूरी यूनिवर्स है, जो पूरी अर्थ है, वो ऊर्जा से ही बनी है, तो सबका आभा मंडल होता है। तो जैसे ही आपका आभा मंडल किसी दूसरे व्यक्ति के आभा मंडल के संपर्क में आएगा, तो अपने आप ही व्यक्ति को भीतर से सजग अलर्ट कर देगा। जो व्यक्ति की इंट्यूशन होती है, उसकी हायर सेल्फ होती है, वो उसको अलर्ट कर देती है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो नकारात्मकता से भरा पड़ा है, तो उसको उस व्यक्ति से दूर रहने की आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ऑरा को लेके बहुत ही सिंपल सा क्लेरिफिकेशन देना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।